अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे और उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा चुनाव की तारीख आगे बढ़ने का राग अलाप रही है। दरअसल वह चुनाव से डर गई है, क्योंकि इस बार चुनाव में उनकी 20 से अधिक सीट नहीं आनी। दुष्यंत चौटाला बोले कि जेजेपी फरीदाबाद में एनआईटी पहली सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर दो पहिया वाहनों पर टैक्स खत्म करेगी और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी फ्री में करी जाएगी। जननायक जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा शहरी क्षेत्र में अब पब्लिक मीटिंग भी कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है। आज उसी में फरीदाबाद एनआईटी और बादशाहपुर के कार्यक्रम है, और मैं मानता हूं जो जोश और उत्साह लोगों का दिखा है, ये एक परिवर्तन की मजबूत नींव है। लोग युवा सरकार प्रदेश में चाहते हैं, युवाओं की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और जैसे मेहनत कर कर 11 महीनों में 10 विधायक हमने जीते थे, अब तो पूर्ण तौर पर युवाओं का शासन प्रदेश में लाने का काम सारे युवा मिलकर करेंगे। दुष्यंत जी, अपना लगा